बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर के साथ नॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम फिगर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि शॉर्ट हैंड में बहुत सारे अल्फाज तो हमने जिन उसूलों पे, जिन जाबतों पे लिखना है वो मैंने आपको सिखाया, फिगर्स भी तकरीबन आपके एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे अल्फाज आए होंगे। फिगर्स को किस अंदाज से लिखा जा सकता है, आज हम जरा उनको तफसील से वजाहत करेंगे कि फिगर्स को आपने किसी डिक्टेशन में, किसी टेस्ट में या कहीं पे भी आप किस तरह लिख सकते हैं, किस में आपका वक्त बचता है और आप आराम से लिख सकते हैं। पहले हम जरा देख लेते हैं कि हमने एक्सरसाइजेस के दौरान कौन से अल्फाज किस तरह लिखा है। जैसे हम लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसका दूसरा अंदाज जो हम इन दिसों में लिखते हैं, आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसका एक तरीका तो ये है, आपने खुद देखना है कि आप किस फॉर्मेट में बहुत जल्दी लिख सकते हैं। मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि आप ये 2 डिजिट तक जितने भी फिगर्स हैं आप हिंदसों में लिखेंगे, आपका टाइम बचता है। जब आप 100 पे आते हैं, अब आप देखें, मैं 100 लिखता हूं तो मैं 3 डिजिट्स लिखता हूं, जबकि शॉर्ट हैंड में 100 के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है। यानी आपने 200 लिखना है तो 200, 300 लिखना है तो 300, ठीक है। इसी तरह जब आप मिलियन लिखते हैं या थाउजेंड लिखते हैं, पहले हम ये थाउजेंड का शॉर्ट फॉर्म है। वैसे तो ये आप एक आम शॉर्ट फॉर्म की सूरत में देखें तो ये थिंक का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आपने फिगर को बिल्कुल इसके पास रखना है, ये 7000, यानी 700000 हो गया तो 700000, ठीक है। अब आप मिलियन देखें, ये है मिलियन का शॉर्ट फॉर्म। तो बजाय आप शॉर्ट हैंड में मिलियन लिखने के, ये आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कहें पे फिगर्स लिखने के बजाय, ठीक है। इसी तरह बिलियन लिखने के लिए ये बिलियन का शॉर्ट फॉर्म है। आप डॉलर लिखना चाहते हैं, ये डॉलर और डॉलर्स, ये पाउंड और पाउंड्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो आप बजाय इस तरह लिखने के, आप सेकंड डिजिट तक, 2 डिजिट्स तक आप इस तरह लिखें, जैसे 700 pounds, 2 million dollars, 2 million dollars, आप आराम से लिख सकते हैं। 1,000 pound। अब आपके ऊपर है कि आप किस अंदाज में ज्यादा लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में आप ज्यादा लिख सकते हैं। ये जो इकाइयां हैं, 100, 1,000, 1,000,000,000, या जो रकम के लिए जो इकाइयां इस्तेमाल की जाती है, जैसे पाउंड्स हैं, डॉलर्स हैं, वो भी मैंने आपको बताया। तो जाती तौर पे मेरा ये मशवरा है कि जो 2 डिजिट्स हैं वो आप इस तरह इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर जो इकाइयां हैं उनके लिए शॉर्ट फॉर्म मौजूद है, तो बजाय आप 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स लिखने के बजाय आप एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, उसके ऊपर वो नंबर्स लिखें। और नंबर लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि नंबर, ये जो हिंदसे हैं, ये इस शॉर्ट फॉर्म के बिल्कुल पास हो, ताकि वहां पे आपको ये इकाई नजर आ जाए, न कि आपको दूसरे शॉर्ट फॉर्म्स की सूरत में आप पढ़ें। लेक्चर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।